नमस्कार, पर्यावरण पोस्ट देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अमित पुरी। इस वक्त अगर बात की मौसम की तो दिल्ली और एनसीआर का जो मौसम हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा गर्म भरा देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, जून का महीना है, जून महीना होता है, वो अगर मौसम की बात की जाए तो एकदम चुपटी हुई धूप इस समय हमें देखने को मिलती है। इस वक्त आपको बता दें कि तापमान कुछ खासा नहीं है। अगर आपको यहाँ पर दिखाएं, आसमान बिल्कुल साफ दिखेगा, बादल आपको थोड़े बहुत नज़र आएंगे और बारिश की संभावना यहाँ पर जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से जताई गई है। और दिल्ली में इस वक्त अगर बता दें कि जो गर्मी का तापमान है वो 35 से 40 डिग्री के आसपास है। अगर बात की जाए कि आखिर किस तरीके का मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जून और जुलाई का जो महीना होता है वो कितना गर्म भरा होता है वो तमाम लोग जानते हैं कि इस टाइम पर छुपती हुई गर्मी लोगों को महसूस होती है। लेकिन जिस तरीके से अब वेदर बदल रहा है, गर्मी के टाइम पर लोगों को गर्मी नहीं मिल रही, ठंड के टाइम पर लोगों को ठंड नहीं लग रही, तो ये किस तरीके का इफेक्ट पर्यावरण पर डाल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें कुछ खास भूमिका निभाती हुई नजर आती है। लेकिन आपको एक बार यहाँ से दिखा दें कि इस तरीके से ज़्यादा कुछ खास धूप नहीं है और जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो आसमान में आपको बादल देखने को मिलेंगे और बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और तमाम वो राज्य, चाहे पश्चिम बंगाल हैं, चाहे वो अन्य दूसरे राज्य जो हैं, उन पर यह जताया गया है कि जो मौसम का हाल है वहाँ पर मानसून के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बता दें, जून जुलाई के बाद मानसून का महीना स्टार्ट होता है, लेकिन जून जुलाई में ही हमें यहाँ पर मानसून देखने को मिल रहा है और कुछ खासा धूप देखने को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त जो तापमान है वो 35 से 40 डिग्री के आसपास जा रहा है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस टाइम पर जून के मौसम में भी लोगों को ज़्यादा गर्मी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो ये किस तरीके का असर हमारे वेदर पर डालेगा, हमारे पर डालेगा, यह देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी और तमाम उन खबरों के लिए देखते रहे पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।